Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I've been going in, I'm fed up with so many things. I gotta just let it all out, I'm talking about the shit they've been talking about. Telling me I should do this, telling me I should do that. Telling me things about rap, talking the truth and that stab in my back that will knock me off track. No, too many things have been building, been hard to deal with, I just been drinking. Remember my moves in the past, I'm wondering what was I thinking. Lately I'm living in fear, wondering what if the end is so near. All of this shit going on, the shootings are strong, one shot to the head and I'm gone. I'm losing control but I can't let it go, cause I'm trying to get more and I've been in the moment. I've been in the zone and I'm moving alone, I don't pick up the phone when my family call. I've been doing it wrong and I don't know what's happening. Trying to get what I just been imagining, getting close and I just been examining all of the fake shit the game has been packaging. I've been keeping real, I've been doing what I feel, I've been. जैसे भी है कमेंट करके बताइए। फाइनली हम लोग आ गए हैं एक नए गेम प्ले वीडियो के साथ। और ऑल पे क्या सीन था, क्या माहौल था, आपने सुना ही भाई, लड़कियों के साथ खेल रहे हैं, बहुत ही जबरदस्त वहाँ पे उनका माहौल बन गया होगा। तो कल की वीडियोस में आप सबने बहुत सारा प्यार दिखाया, बहुत सारा सपोर्ट दिखाया, वीडियो को शेयर किया और काफ़ी सारे व्यूज़ आफ्टर लॉन्ग टाइम इतने सारे व्यूज़ हमारे वीडियोस पे आए, बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया है। और आ गए हैं एक नए एकदम तगड़े गेम प्ले के साथ। और मोंटाज कैसा लगा आपको? आई थिंक मोंटाज काफ़ी ओपी लगा होगा क्योंकि वहाँ पे एक ज़बरदस्त ग्रोजा एक गेम था और मैं ऑलमोस्ट वहाँ पे फिनिश ही हो गया था। तो चलिए बात करते इस गेम प्ले की। तो यहाँ हम लोग नो आ रखे हैं और तीन स्क्वाड आई थी हम लोगों को लेके आई थिंक। तो यहाँ पे एक बंदा राइट में एफके मिलता है, तो इस बंदे को डीपी से मैंने सीधा नॉक कर दिया है और मैं फिनिश करने की फिराक में हूँ और फिनिश भी कर दूंगा। तो अभी हेलमेट तो नहीं मिला है, वेस्ट मिल गया है, बट आपको तो पता ही है हेलमेट वेस्ट की ज़रूरत होती नहीं है, डायरेक्ट पुश करने की ज़रूरत होती है अपने को, तो अपन वही करेंगे। तो आगे गोली वोली ज़बरदस्त चल रही थी और यहाँ भाई यहीं सांप बने हैं, देखिए। तो मैच अभी जस्ट शुरू हुआ ही है और भाई सांप बनना शुरू कर दिए हैं, तो क्या बताया जाए। जब सांप मिलता है काटता है तो भाई जो एड्रेनलिन सोई हुई जो रहती नहीं है वो सब काम नहीं आती। एक बंदा टॉवर पे चढ़ रहा है, तो सीधा नॉक कर दिया गया। और मुझे पता कैसे चला भाई, एयरफोन बहुत ज़रूरी है अगर आप गेमिंग करना चाहते हैं। और हेलमेट है मैंने उठाया ही नहीं, क्या ही बताओ। अगर आप चाहते हो कि मतलब कि बंदों की लोकेशन आपको पता चल जाए ऑटोमेटिक ही, तो भाई एयरफोन अच्छी क्वालिटी का एयरफोन आप यूज़ करो, सारा साउंड आपको बता देगा कौन किधर चल रहा है, कौन किधर नहीं चल रहा है। तो इनका टीममेट आता है और सीधा इसको फिनिश करता हूँ। इनका नहीं, छत वाले का टीममेट नहीं था, ये अलग थी, क्योंकि देखिए ये दो ऑलरेडी हो चुके हैं ठीक, और वो बंदा भी टावर वाला नहीं फिनिश हुआ है। तो अब जाके वो ऊपर से कूदता है और पता नहीं कहाँ जाके मर जाता है, उसकी पेटी भी नहीं मिलती। तो यहाँ पे जो भी लूट उट होती है मैं लूट कर लेता हूँ। और जैसा कि मैंने बताया कि शहजादी के साथ खेलने में अपना अच्छा रहता है, मतलब वीडियो भी अच्छी जाती है। तो आज अपने हाथ में है बैरल, तो मैंने बोला कि यार तुम ज्वाइन कर लो, ज्वाइन कर लो, दो तीन किल हो जाए उसके बाद तुम लीव भी कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। और ये सच में लीव करके चले जाते हैं। और फिर मैं यहाँ देखता हूँ कि मिलिट्री बेस में फ्लेयर चली है, तो मैं बोलता हूँ अब एक दो होंगे कैंपर होंगे, उन लोग से क्या फ़ाइट करना, उन लोगों को खेलने दो भाई, रैंक पुश करने दो उन लोगों को। और मैं यहाँ पे जैसे पहुँचता हूँ इतनी गोलियाँ वगैरह चलने लगती है। तो भाई देखिए फ्लेयर यहाँ पे इसके फैक्ट्री के आगे चल रही है ठीक है, इस बिल्डिंग के आगे, तो इधर तो होगी नहीं फ्लेयर। तो मैं बोलता हूँ राइट से फ्लैंक करके जाता हूँ ठीक, क्योंकि गोली वोली उधर से चल रही थी। तो मैं यहाँ आता हूँ और अगर सीधा मैं गाड़ी डाल दूंगा वहाँ पे जहाँ फ्लेयर चली है तो दिक्कतें हो जाएंगी, क्योंकि पता नहीं कितने बंदे हैं, क्या सीन है क्या नहीं है। तो थोड़ा सा छिपके वार करना पड़ेगा ठीक है, थोड़ा सा लोकेशन देखना पड़ेगा बंदों की। तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ क्या है।
मैं यहाँ बोलता हूँ डायरेक्ट नेट करो, क्योंकि वो लोग कवर में जा चुके हैं, अगर एक और भी रिवाइव हो जाएगा तो पुश नहीं कर पाऊँगा मैं, और मैं नेट करके सीधा पोजीशन बदल के दूसरे साइड से पुश करने के जाता हूँ। तो एक बंदा नेट से फिनिश हो गया है, जो दो बंदों को मैंने नॉक किया था, और अभी एक बंदा सर्वाइविंग में है, और उनका एक बंदा या दो बंदा, मुझे नहीं पता कितने बंदे भी और हैं, अब मैक्सिमम तो दो ही बचेंगे उनकी टीम से। तो यहाँ वो भी आ जाता टीपीपी लेने, वो भी एयरफोन लगा के खेल रहा था भाई। तो अब क्लोज कम्बैक्ट है और मैं यहाँ पे टीपीपी ले रहा था, तो ये बंदा पुश नहीं करता तो मैं बोलता हूँ सीधा नेट करो। और पीक देख लीजिए कैसे मैं पीक किया हूँ। तो भाई इस बंदे को भी नॉक कर दिया गया, और ये मिलिट्री बेस है, यहाँ की घास बहुत बड़ी बड़ी है, तो यहाँ पे बहुत खतरनाक सांप मिल सकते हैं, तो ज़्यादा चौड़ में ना रहिए। मैंने उसको नॉक किया, मैं अंदर आ गया बिल्डिंग के, और यहाँ टीपी ले रहा था। तो भाई ऑल पे कुछ बोलता है वो बंदा, अब क्या बोलेगा आप सुनो। उसका टीममेट शायद नहीं होता है, बड़ी दया आती है भाई ऐसे लोंडो पे। वो भाग गया। हाँ भाग गया, मार दो। ओके। तो भाई का टीममेट नहीं था, और वहाँ से भाई साहब क्या बताएं, अब फिनिश कर दिया गया, M24 वगैरह मिल गई है, और अब जोन के लिए निकलने वाले हैं। M24 और M4 चलेगी अब, और M24 में बड़ा स्कोप तो नहीं मिला, बट 4x सही है। तो यहाँ जैसे ब्रिज पे पहुँचता हूँ, देखता हूँ आगे कुछ ब्लर ब्लर था दिख रहा है, तो बोलता वो भाई ब्रिज ब्लॉक है। तो ब्रिज तो ब्लॉक है, बट उन लोगों को नहीं पता कि यहाँ पे AVD है और हाथ में M24 है, तो बवाल तो होना ही है। ओ भाई आते ही हेडशॉट पड़ा भाई, सीधा नॉक हो जाते हैं। और वो देखिए वो जो गाड़ी है उसके नीचे से भी शॉट पड़ते हैं, ये देख सकते हैं आप। तो उसके नीचे से मैं भी एक किलो और लूँगा वहाँ से, देखिए। तो वो एरिया सही है भी नहीं भी है, देखिए फिर से नॉक हुआ, नीचे से ही नॉक किया मैंने, और इस बंदे को बहुत सारे नॉक करता हूँ। और इनके ये लोग मरते कैसे हैं, ओ भाई। अब ये दो बंदे नॉक हैं, ठीक है, और इनका बंदा जो है वो गया है पीछे बॉट मारने, किल फीड में भी अब देखेंगे, ठीक है। कोई मिनी से किसी को मारा, और ये M16 से एक बंदा भी मिनी वाले को मारेगा, किल फीड में देखिएगा। तो अभी एक और नॉक करूँगा और सीधे पुश कर दूँगा, एक बंदे को यहीं से फिनिश भी कर दूँगा। तो उसका टीममेट जो है चला गया है बॉट मारने, और बॉट मारना कितना भारी पड़ेगा उसको वो तो वही जानेगा अभी। तो काफ़ी दिमाग से खेलना पड़ रहा है यहाँ पे, क्योंकि भाई रेड जोन भी आ गया लो, क्योंकि पता नहीं किस पे क्या है। और यहाँ मैं एक बंदे को पक्का फिनिश करूँगा यहाँ पे। तो गाड़ी उड़ी का टायर फोड़ता हूँ। तो भाई एक बंदा जो नॉक किया था उसको फिनिश कर दिया गया है, और एक बंदा और नॉक हो गया। तो मैं बोलता हूँ सीधा पुश करो, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं है, रेड जोन भी है, कुछ भी हो सकता है। और उनका बंदा भी देखिए वो बॉट मारने गया है, और बॉट को फिनिश भी कर दिया M16 से। तो मैं जब तक वहाँ पहुँचता हूँ वो भी तब तक वहाँ पहुँच के रिवाइव दे देता है, ठीक है। तो रिवाइव दे देता है, बट रिवाइव देने का मतलब क्या है, मैं तो पहुँच ही गया हूँ ना, और यहाँ पे मेरे से गलती थोड़ी होती है। फिर से डायनेमो, तो नाम आपने देखा हाइड्रा डायनेमोन। तो यार डायनेमो भाई के बहुत सारे छेले हो यहाँ पे रेड जोन, तो मैं सीधा निकलने की कोशिश करता हूँ कि भाई रेड जोन ना फट जाए। वैसे रेड जोन हटता है फिर वहाँ से जो लूट रहती है लूट लेता हूँ, आगे ड्रॉप हो रखा होता है। तो ड्रॉप पे एक गाड़ी आई होती है, और देखते आते ही मैं तुरंत M4 के स्प्रे देने लगता हूँ। अगर 6x होती तो एक दो को तो गिरा ही देता मैं यहाँ पे। तो भाई ड्रॉप पे ये लोग जा रहे थे लूट उट करने के लिए, और यहाँ पे मुझे नहीं पता था उस बंदे पे आऊँ मैं, जो मुझे पता चलता है तो मेरी हालत पतली हो जाती है। तो अभी पहला शॉट देखिए, ओ भाई मैं बोलता हूँ भाई पीक मत करो ज़्यादा, ओम है। और ये ओम वाला बंदा ना मेरे आँख के सामने से एक किल चुरा ले जाता, और इस बंदे की शॉट देख रहे हो, ड्रॉप लूट रहा है। अरे यार तुम पे ओम है तो क्या मतलब कि तुम अगर ओम हर जगह से बचा लेगी तुमको, ये ऑलमोस्ट किल हो जाएंगे अभी, लेकिन किस्मत अच्छी थी वो रिज पहुँच जाते हैं रिज पे तो बच जाते हैं। गाड़ी वाड़ी से धुआं निकल जाता है देख सकते हैं आप। तो मुझे कवर में रह के शॉट लेना, वरना ओम वाला मेरे को एक हेड देगा और मेरा गेम यही फिनिश हो जाएगा।
तो मैं बोलता हूँ अब लोकेशन चेंज करो। अगर सामने वाले पे AWM वगैरह है तो आप ज़बरदस्ती पी को मत करिएगा, ठीक है। ज़बरदस्ती पी को करेंगे तो फिनिश हो जाएंगे। थोड़ा लोकेशन को चेंज कर करके मारिए ताकि उसको ना पता रहे। यहाँ सामने मैं बॉर्ड मान लेता हूँ, ओम वाला फिनिश कर दिया भाई, मेरी आँख के सामने से गिल चुरा लिया इसने। तो ये गलत चीज़ है यार, बॉर्ड था चाहे जो बंदा था, बंदा था। तो यहाँ मैं बोलता हूँ अच्छा रुको भैया, अब यहाँ पे देखो ज़बरदस्ती पीक, देख रहे हो अपनी चौड़ भाई, उस पर हम वो चौड़ में, अपने पे M24 है, हम भी चौड़ में हैं। तो डैमेज मुझे भी हो रहा है लेकिन मैं उन लोगों को भी दे रहा हूँ, देख रहे हैं। तो भाई इस गेम में ज़बरदस्त स्नाइपिंग चल रही थी अपनी। और प्लीज़ इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, काफ़ी सारे लाइक्स उस वीडियो में, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और इस वीडियो को भी लाइक करिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। और दिखता क्या दिख रहा हूँ मैं, एक बंदे कमेंट कर रहा है कि वही बॉट लॉबी, हाँ भाई बॉट लॉबी है क्योंकि एक्चुअली खुद ही बॉट हूँ मैं, तो लॉफी तो वैसे मिलेगी। M249 से स्प्रे, M249 से भाई साहब अलग ही चौड़ में है बंदा वो, कभी ओम कभी M249। तो काफ़ी डैमेज में फर्स्ट एड लगाता हूँ, बोलता हूँ यार अब बहुत ज़्यादा हो रहा है। और पीछे से एक गाड़ी आती है, उन लोग से भी फाइट ले लेता हूँ मैं। ये पिछवाड़ा शॉट दिया उसको। तो भाई ड्रिंक वगैरह मारता हूँ और वहाँ बहुत ज़बरदस्त गोली वोली चल चुकी है M249 से, एक टीम फिनिश कर दी गई है। तो मैं बोलता हूँ अब जल्दी किसी को नॉक करो, चलो फिनिश करने। तो मैं बोलता हूँ अब यहाँ से पीक नहीं करने लायक है क्योंकि अम वाला जान चुका है, यहीं से मैं पीक कर रहा हूँ। तो फिर से लोकेशन को चेंज करेंगे और इस बार नॉक फिनिश रस वही करने में। तो ये लोग भाई साहब वहाँ लेट के स्प्रे दे रहे थे, राइट पे देखिए लेट के। तो एक Level 3 हेड पड़ता है, फिर दूसरा बॉडी पड़ जाता है, बंदा नॉक और उसका बंदा अंदर से शॉट लेता है, उसको भी नॉक कर दिया गया। तो सीधा यही काम बचा है फिनिश प्रेस करने का, ठीक है। उनके दो बंदे नॉक हैं लेकिन जब तक मैं पहुँचूँगा भाई, पता नहीं किस स्पीड से वो रिवाइव करता है, ठीक है, पता नहीं किस स्पीड से दोनों बंदों को रिवाइव कर देगा भाई। तो मुझे स्मोक में साउंड सुनाई देता है कि वहाँ पर आके रुक गया है वो, तो मैं फ्री फायर देता हूँ, फ्री फायर की चपेट में वो आ जाता है। तो फाइनली ये टीम भी फिनिश हो गई। अब वही दो बंदों की टीम है जो उस बिल्डिंग के अंदर गए हैं जिनको मैंने बॉडी पिछवाड़ा शॉट दिया था, तो उन लोग से फाइट हो गई। यहाँ पर एक बॉट आता है भाई, तो भाई कहीं का भी स्नैपिंग, कहीं का भी रश अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक बार ज़रूर शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जहाँ भी शेयर करना चाह रहे हैं शेयर कर दीजिएगा। तो काफ़ी ज़बरदस्त मैच यहाँ पे चल रहा था और आखिरी बंदों को मैं कैसे मारूँगा आप देखो, खुश हो जाओगे। और वो थोड़ा सा साउंड क्लिप कट हो गया था एडिटिंग में, बोलता है भाई तू प्रो है, प्रो बहुत बड़ा प्रो है, क्या मारा है तुमने। भाई आधा टकला दिखाया था इस बंदे ने और आधे टकले में इसका पूरा टकला हमने फोड़ दिया। तो भाई अब सीधा रश होगा और जिस बंदे को मैंने लास्ट में फिनिश करता हूँ वो बोलता है भाई बहुत ओपी खेला, बहुत प्यारा नेड मारा तुमने, और क्या ही क्या बताऊँ, बहुत दिल खुश हो गया था। लेकिन वो क्लिप कट हो गई, एक्चुअली रिकॉर्डिंग बंद कर दी मैंने उसके बाद बोला, वो जब तक ऑन किया तब तक ख़त्म ही हो गया था। तो पहले मैंने मौली की फिर नेड किया, फिर साउंड आया कि राइट से लोग हैं, तो मैं बोलता हूँ राइट पर नेड कर दूँ। ओ भाई और यहाँ पे बूम गैस ऑल डेड, विनर विनर चिकन डिनर। तो गैस वो फाइनली 19 किल के साथ चिकन डिनर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देगा, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देगा और वीडियो को शेयर कर देगा, ठीक है भाई लोग। आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद भाइयों, अपना ख्याल रखिएगा और अपने चैनल को तगड़े वे में सपोर्ट करते रहिएगा, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।